गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यस वी आर लाइव नाउ। हम बात कर रहे थे नरेशन की। अभी तक नरेशन में हमने जो फोर इंपॉर्टेंट बेसिक रूल थे उनको जाना, और कैसे जो इंट्रोगेटिव का नरेशन बनता है वो जाना हमने। बेसिक रूल्स में क्या था कि हमें सबसे पहले पहचानना था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट का कोई भी टेंस होता है वो पास्ट के उसी टेंस में जाता है। अगर पास्ट इनडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर फ्यूचर में विल शैल होता है तो विल कन्वर्ट इनटू वुड एंड शैल कन्वर्ट इनटू शुड, कैन बी वुड में, मे माइट में, इसी तरीके से। ये थे हमारे रूल्स। और इंट्रोगेटिव में क्या था, सेम प्रोसेस कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, देन क्या करना था आपका कि वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा। वो सेंटेंस असर्टिव में चेंज होने के बाद बाकी सारे रूल्स उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। पर्सन चेंजिंग को बता दीजिए कि पर्सन चेंजिंग कैसे होती है। अब बात करते हैं, हमारा ये बेटा लेट जो है वो है जब हमारे सामने इम्परेटिव सेंटेंस दिया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलेगा ये समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर मिल सकता है, कोई कमांड हो सकती है, या डायरेक्शन हो सकती है, या रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, या एडवाइस। ऑर्डर यानी कि आज्ञा, कमांड के आदेश दे, डायरेक्शन कोई दिशा में कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की जा रही है, और एडवाइस मतलब कोई सलाह दी जा रही है। तो सबसे पहले तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना है कि भाव के अनुसार हमें समझ लेना है कि वहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, जिसकी भी बात हो रही है वो करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पर जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम टू का यूज करते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है आपका इम्परेटिव का, समझ लीजिए पहला रूल होगा कि जहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर सिंपल जब होता था तब दैट का यूज करते थे, इंट्रोगेटिव आया तो इफ का यूज हो गया, और उसके बाद जब क्वेश्चन मार्क वर्ड वाला आया तो क्वेश्चन मार्क वर्ड ही कंजक्शन बन जाता था। इम्परेटिव है तो क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर टू का प्रयोग होता है। और ये समझ लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो नेगेटिव आया है, नॉट का यूज हुआ है, तो वहां पर वो नॉट टू में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो नेगेटिव है, ये समझ लीजिए, अगर वो नेगेटिव आ गया है तो वहां पर नॉट होगा और नॉट कन्वर्ट इनटू नॉट टू में, और भाव के अनुसार एडवाइस, रिक्वेस्ट या जो भी दिया है वो हम लगा देंगे। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा, एग्जांपल समझ लीजिए आप। सपोज दैट एग्जांपल आपके सामने दिया है, शी सेड टू रामू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज बिंग मी माई बुक। आपके सामने ये दिया होगा, आप कैसे बनाएंगे? आपने देखा यहाँ पर जो प्लीज वर्ड आया है, प्लीज से क्या भाव पता चला कि वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर यहीं पर सीधा सीधा कहते ब्रिंग मी माई बुक तो हमें क्या लग रहा है कि हाँ हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहां पर ऑर्डर का भाव हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमसे कह दिया जाए कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कि यू शुड टेक योर मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम, वहां पर हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर जो होगा वो हमें एडवाइस ही देगा, वो एडवाइस के फॉर्म में आ रहा है। तो जो एग्जांपल दिया है वहां से समझते हैं, शी सेड टू रामू, यहाँ क्या आ जाएगा, शी, अब रिक्वेस्ट की बात हो रही है ना, तो शी रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किए, शी रिक्वेस्टेड रामू, अभी बताया कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के प्लेस पर टू आ जाएगा, शी रिक्वेस्टेड रामू टू, और सीधा सीधा हम उसी से जोड़ देंगे, किससे, जो हमारा जहां से हमारा वर्ब स्टार्ट होगा वहां पे, टू ब्रिंग मी टू ब्रिंग। अब देखिए यहाँ पर जो पर्सन चेंजिंग होगी वो तो ध्यान देना ही है ना, क्योंकि वो बेसिक रूल्स में आता था हमारा। जो मी है, मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, तो वहां क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक, सॉरी सी ब्रिंग हिम
पर मी था क्योंकि यहाँ पर सी आया है, तो सी का ही वो लगेगा और यहाँ पर सी का ही जो हमारा पजेसिव केस है सी का ही लगेगा। यहाँ पर ये गलती आपसे जरूर हो सकती है कि आप यहाँ मी का मी ही लिखते हैं सीधा सीधा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो मी है कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, जब मी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, हिम हो गया और वॉज का हर हो गया। इतनी चीज आई समझ में। अच्छा, इसके एग्जांपल्स मैं सारे करा दूंगा, उसके पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी। इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें लेट की प्रॉब्लम मिलती है, आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में जो शायद आपको टफ लगेगा वो यही है, उसमें लेट दिया होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी शुरुआत लेट से होगी या लेटर से हो सकती है, तो वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होगी कि यहाँ का क्या रोल होगा। तो बेटा इसके लिए कुछ अलग से रूल बनाया गया जो स्पेसिफिक रूल्स में आता है, इसको आपने एक बार समझ लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, नाउ वी स्टार्टिंग कि व्हेन द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद द लेट अस, जब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट है तो हम बिना आंख खोले या बिना कुछ सोचे समझे हमें यह समझ लेना है कि लेट अस है तो इन द रिपोर्टिंग वर्ब हमें वहां पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट का यूज करेंगे और यहां वी शुड या दे शुड से जोड़ देंगे। इसको करना क्या है हमें, देखिए यहां ये करेंगे क्या हो जाएगा, शी प्रपोज या लगाना है आपको तो प्रपोज लगाइए, सजेस्टेड लगाना है तो सजेस्टेड लगा दीजिए। शी सजेस्टेड मी दैट, अब हमने क्या बताया कि आप इसको दे शुड या वी शुड से जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, शी सजेस्टेड मी दैट वी शुड, बाकी पूरा भाई सेम हो जाएगा, वी शुड गो टू मार्केट। एक इसका और तरीका है कि आप यहां पर ये वी शुड का यूज ना करें तो क्या होगा, तो उसके लिए बेटा कुछ नहीं करना, आपको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप सजेस्टेड या प्रपोज ये तो लगाना ही है, सी सजेस्टेड यहाँ पर लगाएंगे टू मी और टू से जोड़ देंगे टू गो टू मार्केट, ये हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर पे आते हैं, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर सर लेट अस ना हो, केवल लेट हो, और हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग होता है लेट, हमें इम्परेटिव मेटा सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके भाव को समझें, फीलिंग को समझें कि उसमें किस प्रकार का भाव आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं द स्टूडेंट, स्टूडेंट सैड होगा यहाँ पर बेटा, द स्टूडेंट सैड, कॉमन वर्ड टू कॉमन स्टार्ट लेट मी टेक फूड। अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो लेट मी टेक फूड मुझे खाना खाना है, तो यहाँ पर भाव आ रहा है इच्छा का, विश का, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, The student wished, अब क्या जाएगा, the student wished, इसके बाद हम इसको किससे जोड़ देंगे, that से, the student wished that, अब देखिए यहाँ पर जब भी हमें यहाँ पर इच्छा का भाव आएगा, विश का भाव आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, the student wished that, आगे किससे जुड़ जाएगा यहाँ हमारा, should से, ठीक है, मी था, मी एक फर्स्ट पर्सन हो गया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होकर क्या जाएगा, ही, द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड, ये आपका हो गया, आई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर भाव को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, द बॉय सेड टू टीचर कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट लेट मी गो होम नाउ, यानी कि टीचर, जो बच्चे ने टीचर से कहा, लड़के ने, कि मुझे घर जाना है, यहाँ पर क्या भाव आ गया, किस चीज़ का भाव आ गया, यहाँ पर भाव आ गया किसका, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर का भाव आ गया कि लेट मी गो होम, मुझे अभी घर जाना है, उसने कह दिया साफ साफ कि मुझे अभी घर जाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या जाएगा आपका, द बॉय रिक्वेस्टेड, क्योंकि जो बच्चा होगा, एक बच्चा, वो टीचर से कभी ऑर्डर या रिक्वेस्ट ही कर सकता है, उन्हें कभी ऑर्डर या कमांड नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर बॉय ने कहा ना, क्या हो जाएगा, द बॉय
रिक्वेस्टेड द बॉय रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट किया टीचर क्या रिक्वेस्ट किया द बॉय रिक्वेस्टेड टीचर टू अलाउ हिम मतलब कि ऐसे अलाउ करें घर जाने के लिए टू अलाउ हिम गो होम नाउ किसमें कन्वर्ट होता है ये आपका इसमें हो गया यहाँ पर हिम के टू गो यहाँ टू लगा रहे मुझे इतना सारा आई बात समझ में तो मेरे हिसाब से इम्परेटिव में जो सबसे जरूरी बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर आपको उसके भाव को समझना है आप इससे बिल्कुल भी भाग नहीं सकते हैं आई बात समझ में नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में एक्लेमेटरी सेंटेंस और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे ठीक है तो बेटा ये सारे रूल समझ लीजिए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा जो करीब आधे घंटे का होगा उसमें सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं सारा मिसलेनियस होगी एक्सरसाइज ठीक है ओके पढ़ते रहिए अच्छे से धन्यवाद।